मीरा भाईंदर की विधायक गीता जैन ने हाल ही में शहर में उत्तर भारतीय भवन बनाने की नींव रखी, जिसका भूमि पूजन पद्म विभूषण रामभद्राचार्य महाराज द्वारा किया गया। इसी के साथ विधायक गीता जैन ने भाईंदर के एसके स्टोन में रामकथा का भी आयोजन किया, जिसे लोगों की ओर से काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। पर वहीं दूसरी ओर गीता जैन द्वारा आयोजित रामकथा के कार्यक्रम को विपक्षियों द्वारा पॉलिटिकल स्टंट बताकर आलोचना की जा रही है। विपक्षियों द्वारा की जा रही इस टीका टिप्पणी पर विधायक गीता जैन ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्या कहेंगे मैडम, पहली बार भागवत कथा का आयोजन किया गया मीरा भाईंदर शहर में, रामभद्राचार्य रामकथा का आयोजन, और किस तरह का रिस्पांस रहा, क्या कहेंगे? देखिए, आज कथा का अंतिम दिन है और जो सातों दिन का रिस्पांस था बहुत सुंदर था। इनफैक्ट सैटरडे और संडे कुछ लोगों को जगह नहीं मिलने की वजह से वापस भी जाना पड़ा, मैं दिलगिरी व्यक्त करती हूँ उनके लिए। और हमने हमारी तरफ से जितना पॉसिबल था दोनों पंडाल में व्यवस्था की थी और बहुत सुंदर तरीके से रोज ही कथा हुई। रोज इतने लोग घर पे भी आ रहे हैं उनके दर्शन के लिए, नीचे पंडाल बना है, रोज के करीब करीब 5-6 हज़ार लोग उनके दर्शन करके धन्य होके जाते हैं। मीरा भाईंदर का सौभाग्य है, सभी लोगों के यहाँ रहने वालों का सौभाग्य है कि ऐसे महान संत यहाँ पहली बार आए, उन्होंने कथा की यहाँ, राम कथा की। कथा यहाँ हमेशा बहुत होती है और बहुत सुंदर होती है, लेकिन एक जो सौभाग्य या हम कहे कि मैच में जैसे उस समय कपिल देव और सुनील गावस्कर थे, वैसे आज राम कथा में हमारे रामभद्राचार्य जी है और वैसे महारथी महान संत जब यहाँ कथा करते हैं तो उसका नज़ारा, उसका ऑरा कुछ और होता है जो हमने 7 दिन महसूस किया। इस राम कथा से शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहती है? देखिए, गुरुजी सिर्फ राम कथा ही नहीं करते, कितने सामाजिक संदेश उन्होंने दिए। परसों उन्होंने ये कहा कि हमारी बेटियों को बहुत सोच समझ के विवाह जैसे बंधन में बनना चाहिए, माता पिता की अनुमति। अनुमति इसलिए कि माता पिता, हर एक माता पिता जो होते हैं वो बच्चियों का अच्छा ही सोचते हैं। कल उन्होंने नारी सम्मान की बात की कि नारियों का जहाँ सम्मान होता है वही घर मंदिर समान होता है और वही घर आगे भी बढ़ते हैं। ऐसे सामाजिक विषयों पे भी वो बोलते हैं, एक पुरुष को किस तरह से घर में रहना चाहिए, महिला को किस तरह से रहना चाहिए, कितनी मर्यादा उन्हें पालनी चाहिए। आज हम मर्यादा को बैकवर्ड क्लास गिनते हैं, लेकिन उन्होंने उसका भी मतलब समझाया कि उसको पालने से हमारी संस्कृति कैसे जिंदा रहती है। तो सामाजिक विषय पे भी उनका ज्ञान बहुत अच्छा है और उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से कथा में सबको, कथा राम कथा के साथ साथ उसका आज के जीवन में कैसे उपयोग किया जाए वो भी समझाया। आपके कुछ विरोधियों ने मैडम की कथा में आने वाले लोगों पर पैसे लेके आने का आरोप लगाया, ऐसे लोगों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि ये पाप उनको क्या करवाएगा, क्योंकि ऐसे महान संत के लिए इस तरह से बोलना मुझे लगता है कि इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। दो तरह के उसमें अपमान है, एक तो हमारे इन महान संत का अपमान है, दूसरे जो लोग श्रद्धा से वहाँ आते हैं। आज आप सुबह 1 घंटे से यहाँ आए, आप देख रहे हैं लोग कैसे दर्शन के लिए एकदम उत्सुक हैं, उनका भी अपमान है। मैं तो कहती हूँ कि ऐसे लोगों को लोगों ने, हमारे सभी जनता ने, ऐसे लोगों को जो इस तरह के कमेंट करते हैं, और सबसे बड़ी बात है आप देखिए, अभी जितने भी दिन महात्मा यहाँ थे उन्होंने NDA की बात की, BJP की बात की, मोदी जी की बात की, और ऐसी बात करने वाला एक BJP का ही कोई है, इस बात का मुझे ज्यादा दुख है। जिस तरह से भद्राचार्य जी ने आपको लेकर भी बयान दिया कि आपको इस पर टिकट देना है, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्या लगता है BJP की टिकट आपकी इस पर की समझी है मीरा भाईंदर से? देखिए, उन्होंने जीतने का आशीर्वाद दिया है तो मैं उनमें आस्था रखती हूँ और मुझे आशा है कि यस, इस लड़ाई में उनके आशीर्वाद से जीत जरूर मेरी होगी। मैडम, रामभद्राचार्य जी ने अभी उत्तर भारतीय भवन का भूमि पूजन किया है और उन्होंने कहा कि मैं इसके उद्घाटन में भी आऊंगा, तो ये कितने दिन में पूरा हो जाएगा भवन? देखिए, आपको भी पता है कि ये सब होते होते 2-2.5 साल लग जाते हैं, क्योंकि अभी भूमि पूजन ही हुआ है, बाकी सब चीजें करने में ही 6-8 महीने तो मुझे लगता है। पेपर वर्क में भी अभी एलओए हुआ है, एनवायरमेंट के लिए गया है, तो
छः महीने में पेपर फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी और उसके 1.5 साल में मुझे लगता है बिल्डिंग बनके पूरी हो जानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 साल में ये बिल्डिंग बनके पूरी हो जाएगी और वो वादा करके गए हैं कि जब लोकार्पण होगा उस समय भी हम यहाँ कथा करेंगे। उत्तर भारतीय भवन को लेकर हर चुनाव में राजनीति अपने चरम पर रहती है, इस बार भी देखने को मिला है। हालांकि इस बार आपने इसमें विराम लगाया कि वो बन रहा है और बन के जल्द तैयार होगा, क्या लगता है इस चुनाव में इस मुद्दा फिर जोर पकड़ने वाला है? देखिए, इस चुनाव में उसका क्या उपयोग हो सकता है मुझे नहीं मालूम। मेरी कोशिश ये है कि मैंने जो लोगों से वादे किए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वादे मैं पूरे कर सकूं और उसी कोशिश में ये एक मेरा कदम था। बहुत सारे ऐसे वादे थे जैसे स्कूल मैंने डिजिटलाइजेशन की, ऐसे आप देख रहे हैं टिम्बा को मैंने अच्छा बनाया और मैंने ये वादा किया था कि मैं अपना अस्पताल नहीं बनाऊँगी, लोगों के लिए अस्पताल बनाऊँगी। हालांकि मुझे फिर महसूस हुआ कि एक अस्पताल यहाँ 200 बेड का बन रहा है तो एक यहाँ कैंसर का अस्पताल बनना चाहिए, जो टाटा की तर्ज पे मैंने बहुत मेहनत करके यहाँ अब वो कैंसर का अस्पताल लाया। तो मेरा प्रयास रहा है कि मैं अपने वादे पूरा करूँ, बाकी जनता अपना निर्णय खुद ले। राजनीति जो विवाद है या आप लोगों का आपस में उसका खामियाजा कहीं ना कहीं शहर के पत्रकारों को भी भुगतना पड़ रहा है और जो पत्रकार हैं वो भी कहीं ना कहीं टारगेट पे आ रहे हैं, तो कहीं आपको ऐसा लगता है कि अब राजनीति कहीं एक और निचले स्तर पर जा रही है? जी हाँ, मुझे भी महसूस हो रहा है कि ऐसे किसी को भी टारगेट नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोगों को यहाँ संत के दर्शन के लिए रोका जा रहा है, मुझे लगता है कि जो रुक रहे हैं उन्हें भी अपने वजूद के बारे में विचार करना चाहिए कि इतने बड़े महान संत उनके लिए हैं या आपने एक नेता वो किसको ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं मुझे समझ नहीं आई। इतने नीचे स्तर तक कभी राजनीति नहीं थी कि कोई नेता संत के दर्शन के लिए भी किसी को रोकता है और हमारे लोग रुकते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। नेता है वो जो संत के दर्शन के लिए? आप बहुत समझदार सत्य पत्रकार हैं, सभी को पता है। पर उत्तर भारतीय भवन का संचालन कैसे होगा? देखिए, अभी उसकी एक कमेटी बनाने का दिमाग में है। अभी तक हमने बहुत कुछ इसके बारे में सोचा नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि एक संस्था बना के उस संस्था वो संचालन करेगी जो उत्तर भारतीयों की होगी और उसमें उत्तर भारतीयों को कैसे बेनिफिट मिले, चाहे वो उसमें समूह विवाह हो, उनके कोई विवाह का प्रसंग हो तो उनको कैसे बेनिफिट मिले। जैसे मैंने कहा महेश्वरी भवन में महेश्वरियों को बेनिफिट मिलता है, बाकी लोगों के लिए ये चार्जेस अलग है, वैसा ही कुछ उस तरीके से करने का मेरे दिमाग में है। अभी 2 साल लगने वाले हैं इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें डीपली मैंने काम नहीं किया है, पर जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। विधायक गीता जैन के साथ साथ पद्म विभूषण राम भद्राचार्य महाराज ने भी रामकथा के साथ कई मुद्दों पर बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए हम लोग दोस्त कर चुके हैं और हम आपको बता दे रहे हैं जो स्थिति मंगल पांडे की थी 1857 में वो स्थिति हमारी है। अब हम किसी परिणाम तक पहुंचेंगे अभी उनका उपता ठीक नहीं। सरकारी नियंत्रण में होने के बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि मंदिरों का सरकारी अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। आगे क्या योजना रहेगी? यही कि सरकार हमारा अधिग्रहण समाप्त करे। सर जी, नारी सशक्तिकरण की बातें करते हैं लेकिन नारियां और बच्चियां आज भी सुरक्षित नहीं, क्या कहेंगे? नहीं, सुरक्षित है और उनके लिए कठोर दंड की व्यवस्था सरकार ने कर दी है, तो विधान और लोकसभा में पास हो गए, सब प्राण दंड तक हो जाएगा उनको। जी गुरु जी, भारत में ऐसे कई बड़े मंदिर हैं, क्या आपको लगता है कि वहाँ के प्रसाद का भी इस तरह का जांच की जानी चाहिए? हो जाएगी, हम लोग अब अलग सी व्यवस्था सोच रहे हैं, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा सोच रहे हैं। माना जी, कुछ दिनों पहले देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, हर बार आपका मैसेज आता है, इस बार कुछ बोलना चाहेंगे? वो तो भले देश के उनको जन्मदिन बधाई, वो हमारे मित्र है, हम तो कहेंगे आप लोग प्रयास करिए इस बार महाराष्ट्र में भी आए हो, उनका हाथ सब लोग मजबूत करिए, हरियाणा में, कश्मीर में, महाराष्ट्र में और झारखंड में आए। आज के परिवेश में पत्रकारों के लिए क्या भूमिका होनी चाहिए? पत्रकारों की भूमिका होने को अच्छा समाचार छापे, भिन्न भिन्न वैसे
कदाचार दुराचार के समाचार छापते हैं और संतों का बहुत कम छापते, अच्छा छापे। मैं यही कह रहा हूँ, अगर तिरुपति बालाजी जो मंदिर में प्रसाद होंगे दोषियों के लिए किस तरह की सजा की मांग करेंगे? अगर वो प्राण दंड के, राम भक्त कैसा होना चाहिए? राम भक्त जैसे मैं गुरुजी जैसा हूँ। गुरुजी ऐसे कई लोग हैं जो अपने आप को राम भक्त बोलते हैं। उभा भक्त नहीं। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जैसे कि आपने सुना, विरोधियों द्वारा की जाने वाली टीका टिप्पणी पर गीता जैन ने पलटवार किया है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर भारतीय भवन जल्द से जल्द बनाने की बात भी की है। रामकथा को लेकर चल रही इस राजनीति पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहे MB Live से।